चेन्नई रख दी ये लाभ है सिर्फ लाभ चलो रे। ये पीसीबी है, हमने इसे निकाला था, अब इसे हम लगाने जा रहे हैं वापस। यहाँ पर इसका एक पत्ता होता है, इसे हमने फिक्स कर दिया, फिर इसके बाद हम पीसीबी को बंद करेंगे। हाँ राहुल ही क्या है, ये कौन सा फैन लगा है? प्रोपेलर फैन सर। और ये मोटर कौन सी है? सिंगल सॉफ्ट मोटर। अच्छा, और ये जो इधर जो है ये ऑपरेटर के साथ जो फैन लगा वो कौन सा है? लोअर फैन। और ये कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है? कंप्रेसर कौन सा लगा है सर? ये रोटरी कंप्रेसर है सर। रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। ये ऐसा नहीं लगा है, रुक जाओ वो रखी जाएगी। जी एक्युमुलेटर है वो। एक्युमुलेटर रिसीवर नहीं होता सर। क्या कार्य करता है ये? गैस का रहता है ये सर। डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन। ये रहा हमारा कंडेंसर। एक मिनट वीडियो चल रहा है। अरे नरे ये हमारा रहा सर कंडेंसर। और कंडेंसर के बाद ये आपका ये ऑपरेटर आ गया। फिर यहाँ से जो गैस है एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व होते हुए ये आपका जो बोल रहे थे ये क्या है? कैपिलरी है। ठीक, कैपिलरी होते हुए फिर यहाँ से जो आपका जो है इवेपोरेटर में जाती है, इवेपोरेटर में चली गई। और फिर उधर से क्या है ये ठंडी होकर, ये कौन सी लाइन है? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन फिर कहाँ गई है ये? फिर कंप्रेसर में। कंप्रेसर में गई, एक्युमुलेटर में गई, एक्युमुलेटर से आपका कंप्रेसर में चली गई। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। बंद नहीं होता क्या यार? विंडो एसी एलजी का पूरी सर्विस की है, ये बिल्कुल भी कार्य की स्थिति में नहीं है, देखा ना? जब हमने इसकी सर्विस की तो इसके अंदर इतनी मिट्टी क्या लगी हुई थी, मिट्टी और बरैया के छत्ते लगे हुए थे। जब इसके अंदर से बरैया के छत्ते निकाले हैं और इसकी सर्विसिंग की है, इसके कंडेंसर को, इवेपोरेटर को और पीसीबी को, और पंखा बुरी तरह से इसकी बरैया की टट्टी से सना हुआ था, है ना? जब हमने इसको पूरा कितना क्लीन किया है, अब इसको पूरे को हमने पैक कर दिया है और इसका कंडीशन देखिए कितना हमने क्लीन हालत में कर दिया, देखिए। और पहले की आप देखिए और आप देखिए, ये हमारी फिल्म पॉइंट देखिए, पूरी तरह से हमने साफ सुथरा कर दिया। अब इसको हम रनिंग कंडीशन में, इसके तार लगाइए, जरा तार लगाइए, बिजली में तार लगाओ। हाँ आप देखना इसकी कंप्रेसर चल करके वो रनिंग है, देखिए इसकी आवाज़ देखिए, ये देखो वाह कितनी ठंडी आवाज़ आ रही है। अभी अभी ठंडी नहीं है, सिर्फ इसमें क्या चला है? ब्लोअर चला है अभी, ब्लोअर इसकी, और इसका फैन चल चुका है। पहले इसका फैन भी कार्य नहीं करा, देखो इसका फैन देखिए चल रहा है ना। हाँ ठीक है, अब ये पूरा ठंडा करेगा जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा, और कूलिंग हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी। जब आप देखना इसका, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको उन्हें एलजी का विंडो एसी की सर्विस करनी है तो एक एक पार्ट को आपने खोल के और अच्छे से पानी से धोना है। और इसी जब हमारा ये लगा आपको थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट को हमेशा हमें आगे इवेपोरेटर के साथ में सेट करना, ठीक है ना? क्योंकि ठंडी हवा आएगी तो ये इसमें इसकी पीसीबी भी है, जो ये पीसीबी खराब है, बस यहीं से हम ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं, ठीक है? हमें कोई बात नहीं, जब पीसीबी खराब है तो पीसीबी को हम रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना? पीसीबी जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पास चाहिए, अगर ठीक हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। नई भी किसी कंपनी की पीसीबी लगेगी। ये हमारा डेढ़ टन का पीसीबी है, इसको हमने पूरी कंपनी के साथ में पूरी मेहनत की है। आप लोगों ने सरों में देखा पहले वाली वीडियो में जो खोलने की हमने पूरी प्रक्रिया की थी, तो कितना इसके अंदर गंद निकला था, और इसको धोते हुए आप लोगों ने देखा है, और इसको हमने पूरा असफल कर दिया है। असफल करने के बाद में अब इसमें कूलिंग की स्थिति दिखाएंगे। अभी एक बार कूलिंग कंप्रेसर चल जाए फिर आपको दिखाते हैं। वेरी गुड शाबाश। आगे 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 आगे।